फ्रंट शॉट्स काफ़ी अच्छे हैं। क्या गाड़ी चलाते हैं ड्राइवर लोग, इंटरनेशनल ड्राइवर है लोग, ये लोग को विंड डीजल की जगह देना चाहिए। घास साइड से चला गया वो से। ब्रिज का उद्घाटन मधुमक्खियों ने कर दिया है। यस, ये अभी तो दो छत्ते हुए हैं, अभी देखते हैं और कितने होते हैं ब्रिज चालू होने तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, कैसे काय, केलो वाले किरणा छो, दिस इज़ अफान गदीप एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल अफान गदीप ब्लॉग्स। तो आप लोगों को बहुत सवाल रहेंगे आपके मन में, मुझे इंस्टा पे भी काफ़ी DM आए थे कि भाई अफान तू किधर गायब है, क्यों नहीं ब्लॉग आ रहे। मेरे को बहुत लोग पकड़ पकड़ के भी पूछते कि भाई तेरे ब्लॉग किधर है, ब्लॉग क्यों नहीं आते। तो वो कुछ रीज़न्स है, वो मैं आपको या तो लास्ट में बताऊंगा या तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो अभी आज के व्लॉग के बारे में बात कर दे, तो आज का व्लॉग होने वाला है हाईवे के ऊपर फिर से, क्योंकि इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं हाईवे पे एक्चुअली। तो वो चेंजेस अभी देखेंगे क्या हुए हैं, हाईवे कितना हुआ है, कितना अपडेट हुआ है, अपडेट लेंगे काम कितना हुआ है हाईवे का। और मेरे साथ आ रहा है मेहरान, वो अभी रेडी हो रहा है। ओके, तो मेहरान शेठ काजी इज हियर। जो वो दरगाह के पास मैंने अभी आपको शॉट दिखाया, वो जो दरगाह के पास को जो रास्ता है वो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है। तो ये अजान होती है, रुकेंगे थोड़ा। ओके, तो अजान हो चुकी है। तो वो जो रास्ता मैंने आप लोगों को दिखाया, वो रास्ता डायरेक्ट इधर से कनेक्ट होने वाला है और यहाँ पे से ऐसे सीधा जाके ब्रिज को कनेक्ट होने वाला है। तो उस वजह से उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम 6 से 7 टन मतलब टूट जाएंगे, डायरेक्ट स्ट्रेट गाड़ी जाएगी अपनी। तो वो एक प्लस पॉइंट है, काफ़ी टाइम बचेगा, डिस्टेंस कवर जल्दी होगा इंसान का, डिस्टेंस भी कम होगा क्योंकि टर्न मारते मारते डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो अभी हम नीचे ब्रिज के पास जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, गिना के दिखाऊंगा मैं एक्चुअल टर्न कितने हैं। अभी तो एक टर्न मारे, ये दूसरा टर्न है, एक टर्न अपने तालीम खाने पर मारे और ये दूसरा टर्न ये वाला। अभी यहाँ 2 टर्न यहाँ पे हो चुके हैं, अभी मैं नीचे ब्रिज पर जाने तक आपको बताता हूँ कि कितने टर्न है और जब ब्रिज जाएगा तो कितने टर्न रहेंगे। ओके, कि जैसा कि मैंने आप लोगों को वहाँ के 2 टर्न बताया, ये रास्ता तो डायरेक्ट कनेक्ट होने वाला है। अभी ये हम लोग मुद्दा ये ओल्ड रोड से जा रहे हैं ताकि आप टर्न गिन सके कि कितने टर्न हो रहे। तो अभी तक तो 2 टर्न हुए और ये रास्ता तो सीधा ही है, लेकिन ये ओल्ड रोड है नीचे वाला और वो जो ऊपर है वो ये वाला जो रोड है ये पूरा न्यू रोड है, एकदम मस्त एकदम। ये सर्विस रोड रहेगा अपना नीचे का और यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी है तो उस वजह से यह सर्विस रोड दिया हुआ है। और काफ़ी मतलब वाड़ी और छोटे छोटे गांव में भी अंदर अंदर रास्ता जाता है, तो ऐसे नीचे उतर के पब्लिक जैसे जा सकती है मेन रोड पर से, एक्सप्रेस से नीचे उतर। ओके, तो ये अभी है अपना मेन रोड, यहाँ टर्न नहीं देखो अभी तक तो 2 टर्न ही हुए अभी तक अपने। दिस इज द 3rd टर्न और वो आगे वाला जो टर्न है वो 4th टर्न है, ये सबसे बड़ा टर्न है, शार्प टर्न है। और ये वाला जो टर्न है ये है 5th टर्न, ठीक है। 5 टर्न तो इधर ही हो गए और वो जो रास्ता हमको आप लोगों को मैंने दिखाया वो ऊपर से सीधा 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 ऊपर जाने वाला है। ये 6th टर्न, और ये वाला जो है
ये सातवां टर्न है जो सबसे शार्प है। ओके तो इसको क्या हुआ रे। हाँ ओके, तो मैंने आप लोगों को 7 टन गिना दिया हो यहाँ तक। तो अभी ये जो ब्रिज है वो यहाँ से सीधा कनेक्ट हो के कहीं और आगे जाएगा। उधर भी रास्ते का काम चल रहा है तो वो उधर आगे कनेक्ट होने वाला है। तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज को बन तो गया है ये, इसके लेकिन फिनिशिंग वर्क चालू है अभी, पूरा बन गया है ये। तो ये मैंने आप लोगों को पहले उधर बताया जिधर से आप अभी ड्रोन शॉट देखोगे, वहाँ से लेके वहाँ यहाँ तक ये एंड हो जाएगा रास्ता। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना 60 टन हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, मतलब सोचो कितना जल्दी आदमी वहाँ से यहाँ टच होने वाला है फटाक से। मेरे को जाने का तो था उधर, लेकिन मैं उधर जा नहीं सकता बिकॉज ये डेंजर जोन में है अभी फ़िलहाल के लिए, बिकॉज़ ये काम इसका पूरा नहीं हुआ है और ये बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा हाइट पे, इसके लिए उसको अभी डेंजर जोन में डाला हुआ है। वहाँ पे किसी को जाना अलाउड नहीं है। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा रहेगा, मैं वहाँ गया था तब की बात अलग थी। अभी वो पूरा फिनिश हो गया है तो सब अपनी गाड़ी वीडी लेके जाते थे उधर, तो उस वजह से वहाँ जाना बैंड है अभी फ़िलहाल के लिए। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से अपन बिंदास घूम सकते। फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। और इसके नज़दीक से ड्रोन शॉट्स लेना भी बहुत रिस्की है भी है, प्लस बैंड है। तो अपन नीचे से इसका ड्रोन शॉट लेंगे और ये आप देख सकते हो कि कैसा। हम ड्रोन सेटअप कर रहे हैं और यहाँ से मैं अभी उड़ा लाऊँ ड्रोन मेरा। ओके तो यहाँ से ड्रोन उड़ाते और मैं आप लोगों को यहाँ से ही दिखाऊंगा ऊपर का शॉट। वहाँ नज़दीक ले जाना अलाउड नहीं है, डेंजर जोन है, मैं रिपीट करता हूँ। बाकी लोग का आप लोग वीडियो देखते रहेंगे, उनके पास परमिशन वर्मिशन कुछ नहीं रहती है। तो यहाँ के ड्रोन शॉट हो चुके हैं पूरे। अभी अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, वो जो आप लोगों को मैंने दिखाया था हॉस्पिटल के पास वाला, तो उधर थोड़ा ड्रोन उड़ाते हैं। और जो मेन हाईवे पे अपने जो साईनगर पेट्रोल पम्प के एरिया के पास जो काम चल रहा है वो उसका थोड़ा सा क्लिप लेंगे। और बस आई नो एक ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो रहा है तो पॉसिबल नहीं होता यार इतना सारा पूरा एक ब्लॉग में लेने के लिए। तो मे बी अपन वापस से एक अच्छे से ब्लॉग बनाएंगे। अभी अभी तो ब्लॉग आते रहने वाले हैं फिलहाल, तो अभी है मेरा 4-5 ब्लॉग का प्लान है। अभी इसी वीक में ही मैं 4-5 ब्लॉग शूट करके रखने वाला हूँ। लेट्स सी कितने ब्लॉग शूट हो पाते हैं, तो आगे जाते हैं अभी। ओके तो ये है अपना ब्रिज जो सबसे बड़ा ब्रिज है पूरे मुंबई गोवा हाईवे पे, सबसे बड़ा ब्रिज यही है जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को लगता है मैं गलत हूँ तो नीचे कमेंट में मुझे सही कीजिए। और ये डायरेक्ट कनेक्ट होएगा उधर जाके। मैंने अभी तक आपको आपको बाजू में इसके बाजू में आपको एक बड़ा ब्रिज दिखता रहेगा, छोटा ब्रिज दिखता रहेगा आपको। वो ब्रिज जो है ब्रिटिश के टाइम का ब्रिज है, वो ब्रिज को 100 साल के ऊपर हो गए है ना मैडम, 100 साल के ऊपर हो गए वो ब्रिज को। तो अभी उसकी वैलिडिटी भी ख़त्म हो गई है, तो अभी उसको ऐसा ही चला रहे। अभी ये ब्रिज अभी चालू होएगा तो वो ब्रिज अभी बंद करेंगे या फिर उसको रिपेयर करके सर्विस में रखेंगे, आई डोंट नो क्या प्लान रहे। रिपेयर चालू है लगता है। हाँ ना, रिपेयर कर सकते हैं मे बी सर्विस रोड के लिए। और यहाँ पे मस्त नदी है, इधर अच्छा लगता है। कभी आए ना
ओके, तो आप लोगों ने जो अभी ड्रोन शॉट देखे वो इधर का ही था, और जो वो खड्डा आप लोगों ने देखा जो पूरा मतलब खड्डे से खड्डा जो पूरा खोद के डाला था, वो तालीम खाने से लेके यहाँ भावकर डॉक्टर के इधर पूरा वो कनेक्ट होता है, और वहाँ से सीधा आगे जाके ब्रिज पे कनेक्ट होता है। तो आप लोगों को ड्रोन शॉट देख के आइडिया आएगा कि मैं क्या बोलने की तब से कोशिश कर रहा था, तो पर आपको ड्रोन शॉट देख के थोड़ा आइडिया तो आया रहेगा कि कैसा है। तो चलो मैं से तो यहाँ पे पूरा ज़्यादा कुछ काम वेला मेरे को दिखता नहीं है, बिकॉज़ यहाँ का काम बहुत स्लो चालू है। आप देख सकते हो कि मैंने जो पीछे वीडियो में आप लोगों को बताया था, काइंड ऑफ वैसा ही सिचुएशन लग रहा है। तो मेरे को इतना कुछ ये हाईवे पे इतना काम वेला लग नहीं रहा है ऊपर वाले सेक्शन में, तो क्या ही ड्रोन शॉट्स अभी देने का तुम लोगों को। तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को मेरा जूना वाला वीडियो मिल जाएगा, उधर का ड्रोन शॉट देख लेना। इधर का उतना ही हुआ है, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है खड़का, उतना ही मतलब मिट्टी में वो लोग भर रहे हैं वही है बस, और कुछ नहीं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रा भी मत भूलना। मैंने तू भी बोल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द स्पीड मास्टर, डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अफन गति ब्लॉग्स। और अपने माता पिता का ध्यान रखो और उनको कोरोना मत दो, और अभी क्या नया है ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन वो भी मत दो। बाय।